हेलो एवरीवन दिस इज हमता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एम एस केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले वीडियो में हमने इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था आज हम टू पॉइंट टू टू तक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटीज से ही आपके इस चैप्टर का पूरा कंटेंट फ्रेम किया गया है सो दीज एक्टिविटीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तो एक, -एक को हम डिस्कस करते हैं तो एक्टिविटी टू पॉइंट वन ये इंडिकेटर्स से, से रिलेटेड एक्टिविटी है तो यहाँ पे हमें चार इंडिकेटर दिए गए हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन फिनोफिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज और, और यहाँ पे आप सैंपल सॉल्यूशन देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये सब एसिड्स हैं ठीक है तो इस एक्टिविटी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि एसिडिक मीडियम में आपके इंडिकेटर का किस तरीके से कलर चेंज होगा और बेसिक मीडियम में किस तरीके से चेंज होगा तो ये चार्ट के फ्रेम में हमने बना दिया ताकि बच्चों को आसानी हो आप स्क्रीन शॉट लेके रखिए रिकॉर्ड मेंटेन के लिए एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो ये देख सकते हैं जितने भी एसिड्स हैं इनका बिहेवियर देखिए रेड लिटमस सोल्यूशन में इनका कलर रिटेंड रहता है और ब्लू लिटमस सोल्यूशन के केस में इनका कलर चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चेंज टू रेड कलर फिनोक्थिलीन का हम जानते हैं एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में न्यूट्रल मीडियम में फिनोक्थिल कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक होता है इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में रेड कलर होता है तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट के फ्रेम में हमने एक्टिविटी को समराइज़ कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो अब यहाँ से बेस का स्टार्ट होता है तो बेस के केसेस में देखिए रेड लिटमस सॉल्यूशन है इसका कलर ब्लू चेंज हो जाता है और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है इसका कलर रिटें रिटेंड रहता है चाहे आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लीजिए या ब्लू लिटमस पेपर लीजिए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा और यहाँ पर फिनोफिलीन का कलर पिंक हो जाता है तो यहाँ पर देखिए ये सारे बेसिस हैं ठीक तो है तो बेसिस का सबका जो रिएक्शन है मतलब जो उनका अपियरेंस आएगा एसिड बेस इंडिकेटर जो यहाँ पे हमने चार लिए हैं ये चारों इनके केसेस में हमने रिजल्ट को यहाँ पे समराइज कर दिया है यहाँ पे ये ब्लू 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 कलर में चेंज हो जाएगा इनका कोई चेंज नहीं होगा ये रिटेन रहेगा यहाँ पे ये सब पिंक हो जाएंगे और यहाँ पे ये कलर येलो रहेगा एक्टिविटी टू पॉइंट टू दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए उसमें हमने इंडिकेटर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो ये देखिए यहाँ पे थ्री ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स लिए हैं इनकी स्मेल से हम पता लगाते हैं इनकी एसिडिक और बेसिक मीडियम में स्मेल अलग अलग होती है ये वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल ये थ्री ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपकी टेक्स्ट बुक में मैंशन है तो डायल्यूट एस यानी कि एसिडिक मीडियम में इनका जो स्मेल है वो रिटेन रहता है और बेसिक मीडियम में इनका स्मेल लॉस्ट हो जाता है एक्टिविटी टू पॉइंट थ्री दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और ये देखिए हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स ये आपके चैप्टर थ्री से भी रिलेटेड है तो यहाँ पे जिंक मेटल को इन्होंने सेलेक्ट uh, select किया है और ये देखिए यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स है और यहाँ पे डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया है तो इससे एक हाइड्रोजन गैस बनती है और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाती है और ये सोप सॉल्यूशन है तो बबल्स के साथ ये हाइड्रोजन गैस ऊपर आती है और यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल को लेके लेके हम गए इसके पास तो ये पॉप अप साउंड के साथ जलती है तो इस एक्टिविटी में हमें ये बताया गया है कि ये जो बबल्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं दीज बबल्स दीज आर ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स पहले तो यहाँ पे ये जो बबल्स हैं पहले तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल हैं और ये फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म इन द सोप सोल्यूशन ये सोप सोल्यूशन में बबल्स बन गए ऑन टेकिंग अ बर्निंग कैंडल नियर सोप बबल्ड फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस इट बर्न विद पॉप साउंड तो पॉप साउंड के साथ कैंडल जलने लगती है अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होती है इस पर मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया है जिंक की एस सी एल एसिटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ किस तरह रिएक्शन होती है और एन के साथ वो शॉर्ट आप जरूर देख लीजिएगा तो जिंक की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जिंक मेटल की एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो जिंक एसिटेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है लेकिन एच के साथ इसकी रिएक्शन डिफरेंटली होती है क्योंकि डायल्यूट एच के साथ जब ये रिएक्शन इसकी होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है एन एंड जिंक नाइट्रेट बनता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसको ये एच टू यानी कि वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद नाइट्रिक एसिड किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कॉन्सनट्रेट एच एन ओ थ्री के साथ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनता है एंड जिंक नाइट्रेट बनता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब बच्चे का सवाल ये होता है क्या सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते नहीं सारे मेटल नहीं करते हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन से अपोजिशन पे जो भी है मेटल्स वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं एक्टिविटी टू पॉइंट फोर तो यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल लिया है ना ट्यूब और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड किया और उसको वार्म किया यानी गर्म किया है तो यहाँ पे हीटिंग का साइन हम बना देते हैं तो ये देखिए जिंक बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रहा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये जिंक मेटल की रिएक्शन एसिड्स और बेस के साथ है ये सारी रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है एक्टिविटी टू पॉइंट फाइव इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखिए ये डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ओके okay, ये देखिए ये लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया मतलब ये, ये इस रिएक्शन में हम ये इस एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इनके साथ एसिड्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बच्चों ये वहाँ पे टू मोल्स ऑफ एच लिए गए हैं टू मोल्स ऑफ एच रिएक्ट विद वन मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट और उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है अगर ये एच का वन मोल लिया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी अगली स्लाइड में ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब HCl की रिएक्शन होती है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दोनों ही केसेस में मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे ये यह देखिए यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाती है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया गया जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर इट इज लाइम वाटर अगर आपको लाइम क्विक लाइम स्लेग्ड लाइम या लाइम वाटर में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा वीडियो देखिए उस पर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं ताकि बच्चों का कोई भी इससे रिलेटेड डाउट ना रहे अब देखिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर के अंदर आती है तो क्या होता है यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होता है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट एंड द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक टेस्ट भी है अब मान लीजिए आपने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे पास कर दी तो क्या होगा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पे क्या होगा ये जो टेस्ट ट्यूब में अगर एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई तो ये व्हाइट जो प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट का ये डिजॉल्व हो जाएगा और जो बनेगा वो यहां पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्यूबल इन वाटर ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस में आती है लाइम वाटर में तो रिज़ल्ट अलग होगा और लिमिट में आती है कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में तो रिजल्ट अलग होगा दोनों ही कंडीशन की रिएक्शंस आपको आनी चाहिए तो इस एक्टिविटी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जब इस तरीके से डाइल्यूट एच की रिएक्शन या एसिड की रिएक्शन जब कार्बोनेट्स और बाई के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि लाइम वाटर का जो कलर है उसको मिल्की कर देती है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर एक्टिविटी टू पॉइंट सिक्स हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर तो हम सभी जानते हैं जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर ठीक है तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है तो सबसे पहले देखिए यहां बोला गया है कि टू एम एल डायल्यूट एनएस सोल्यूशन आप एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और फिनोफलीन सोल्यूशन ऐड कीजिए तो एनिवेच का मतलब क्या हो गया बेसिक मीडियम तो उस समय जो फिनॉफ्थलिन का कलर आएगा पिंक अब इसी टेस्ट ट्यूब में अगर आप डायल्यूट एस को ऐड कर देते ड्रॉप बाई ड्रॉप तो क्या होगा एनो एच और एस ये मिलकर क्या बनाएंगे सॉल्ट मीडियम कैसा हो गया न्यूट्रल और साथ में बनेगा वाटर तो न्यूट्रल मीडियम में जो फिनॉफ्थलिन का कलर होता है वो कलरलेस होता है एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में फिनोक्न का कोई कलर नहीं होता है एक्टिविटी का जो चार्ट हमने बनाया टू पॉइंट वन में वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अब क्या किया हमने नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एच टू द अव मिक्सचर तो अब इसमें अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन ओ एच की एड कर देते हैं तो मिक्सचर का अब मीडियम कैसा हो गया बेसिक हो गया यानी कि अल्कलाइन हो गया अब एल्कलाइन मीडियम में जो फिनोफलीन है वो अपना पिंक कलर रीजनरेट कर देगा तो एक्टिविटी टू पॉइंट सिक्स के uh, से हमें ये बताया जा रहा है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और मीडियम न्यूट्रल हो जाता है एक्टिविटी टू पॉइंट सेवन रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स तो आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर जनरली बेसिक होता है ठीक है और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड इनका नेचर एसिडिक होता है दिस इज द जनरल रूल तो कार्बन क्यूप्रस ऑक्साइड लिया इसका कलर कैसा होता है ब्लैक इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्लैक लिख दिया है सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ वीकर एंड एड डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टरिन तो उससे क्या होगा कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो हो जाएगा ब्लू ब्लू किसकी वजह से होगा क्यूप्रिक क्लोराइड की वजह से आप जानते हैं ये सी यू प्लस वन होता है क्यूप्रस सी यू टू प्लस होता है क्यूप्रिक यहाँ पे जो सी यू सी एल टू है इसमें कॉपर है प्लस टू स्टेट में और इस स्टेट में इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है तो सॉल्यूशन में यहाँ पे जो क्यूप्रस क्लोराइड बनेगा इस वजह से आपका जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा तो ये एक्टिविटी है टू पॉइंट सेवन इसका रिजल्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैज हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर ऑक्साइड आपका चेंज हो गया है क्यूपरिक क्लोराइड में जिसको आप कॉपर क्लोराइड भी कह सकते हैं एक्टिविटी टू पॉइंट एट को डिस्कस कर रहे हैं इस एक्टिविटी का मोटो ये है कि स्टूडेंट्स ये जानें कि जो हमारे एसिड्स और बेसिस हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यानी कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वा सोल्यूशन में आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया है इस वीकर में डाइल्यूट एच का सॉल्यूशन लिया गया है ये रबर कॉक है और ये जो दो आयरन नेल्स आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही है यहाँ पे ये बैटरी लगा दी गई है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है और, और सर्किट में ये लगा दिया गया है बल्ब ठीक है तो इस तरीके से ये जो आप सेटअप दे रख देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो यहाँ पे डाइल्यूट एच का सॉल्यूशन लिया है तो आप ये जानते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में एच सी एल किस में डिसोशिएट हो जाएगा एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आयंस में और ये कैथोड़ा एनोड की ओर मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उस वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा बल्ब का ग्लो करना ये बता रहा है कि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और यहाँ पे सॉल्यूशन लिए गए हैं ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दीज एसिड्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब विल ग्लो लेकिन जो ग्लूकोस और एल्कोहल है ग्लूकोस का फार्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और एल्कोहल का फार्मूला होता है जैसे मिथेनॉल ले, ले लेते हैं हम मिथाइल एल्कोहल सी एस थ्री ओ एच अब इनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ठीक है तो ये जो ग्लूकोज और एल्कोहल सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे और एल्कलीज सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे है ना और एसिड्स एंड एल्कलीज आर इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड ग्लूकोज एंड एल्कोहल ये आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है एक्टिविटी टू पॉइंट नाइन ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है इस एक्टिविटी में आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो एसिड्स होते हैं ये एक्वस मीडियम में ही लिटमस कलर को चेंज करेंगे यानी कि जो ड्राई एच है और अगर आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा या तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसका एक्व सोल्यूशन होना चाहिए तो लिटमस पेपर ड्राई भी होगा तो चलेगा और अगर आपके पास ड्राई एच गैस है तो लिटमस पेपर में फिर वो डिब्ड इन वाटर होना चाहिए उसी कंडीशन में जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा अदरवाइज नहीं होगा तो इस एक्टिविटी को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं तो यहां पे देखिए सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हो रही है यहां पे ठीक है यहां पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया गया है और इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया है तो ये एन और सल्फ्यूरिक एसिड इसको मैंने यहाँ लिख दिया है और इनकी रिएक्शन से जो बन रहा है दैट इज एसिड ठीक है और ये किस फॉर्म में बन रहा है गैस फॉर्म में तो यहाँ से ये जो गैस निकलती है और ये यहाँ पे देखिए लिटमस पेपर जो कैसा है आपका मॉइस्ट यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने मॉइस्ट मतलब ये ड्राई नहीं है लिटमस पेपर के अंदर वाटर है और जो गैस है वो ड्राई है तो गैस ड्राई है लेकिन आपका लिटमस पेपर मॉइस्ट है इसीलिए लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है और एसिडिक मीडियम का ये टेस्ट देता है लेकिन दूसरे केस में क्या किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ अब एक्टिविटी वॉट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर ऑफ ड्राई एच सी एल गैस एंड एच सी एल सोल्यूशन तो ड्राई एच सी एल जो होगा इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर मतलब लिटमस पेपर भी ड्राई है और ड्राई आपकी गैस है तो एच पॉजिटिव आयन्स की एवेलेबलिटी नहीं होगी इस वजह से एसिड का टेस्ट शो नहीं होगा और यहाँ पे ये जो आप देख रख देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड इसको यूज़ किया जाता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जैसे कि मान लीजिए मॉइस्ट है आपका जो ह्यूमिड है क्लाइमेट ह्यूमिड है तो जो एच सी एल गैस प्रोड्यूस्ड होगी उसको ड्राई करने के लिए आपको ये गार्ड ट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होगा वो आपको लगाना पड़ेगा सेटअप में ताकि ये जो मॉइस्चर है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और आपके जो पाथ है उसमें कहीं भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं हो मतलब मीडियम पूरा का पूरा एनहाइड्रस हो तो ये इसका यूज है तो इस एक्टिविटी का कंक्लूज़न ये है कि यहाँ पे हमने जो एस एल गैस को प्रोड्यूस किया है ये मॉइस्ट मीडियम में या फिर एक्वस मीडियम में एसिडिक एसिड acid का टेस्ट देगी लेकिन ड्राई एस एल गैस और ड्राई लिटमस पेपर है तो वो एसिड का टेस्ट नहीं देगा एक्टिविटी टू पॉइंट वन ज़ीरो आप जानते हैं वीडियो के एंड में हम बच्चों के लिए थॉट ऑफ स्टूडेंट्स रखते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट रहे हैं तो वीडियो के एंड में हमारा थॉट फॉर स्टूडेंट जरूर देखिए क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी है सक्सेस के लिए तो ये एक, एक एक्टिविटी है यहाँ पे हमने बीकर में टेन एम एल वाटर लिया है और उसमें कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला है अब आप बीकर के बेस को टच कीजिए तो वो आपको गर्म लगेगा इज दे आर एनी चेंज इन टेम्परेचर येस इट विल राइज इज दिस एंड एंडोथर्मिक और एग्जोथर्मिक इस इट इज़ एक्जोथर्मिक रिएक्शन रिपीट दिस एक्टिविटी विज सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स यानी कि आपको एसिड को अगर आप डायल्यूट करेंगे या उसमें पानी मिलाएंगे तो वो रिएक्शन हमेशा एग्जोथर्मिक होगी ये की कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के ये आपको याद रखने इसी तरीके से अगर आप बेस को भी डायल्यूट करते हैं तो वो रिएक्शन भी एक्जोथर्मिक होती है हाँ लेकिन अगर आप एसिड और बेस को मिलाएंगे तो वो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो भी एक्सोथर्मिक होती है सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इट मे भी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक बट सॉल्ट फॉर्मेशन बाय एस बाय मिक्सिंग एसिड और बेस इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो तो ये देखिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड इट इज एक्सोथर्मिक डाइल्यूशन ऑफ बेस इट इज एक्सोथर्मिक एंड एसिड्स और बेसिस मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर ये याद रखिए मतलब आपको हमेशा पानी के अंदर एसिड या बेस मिलाना है स्पेशली एसिड आपको ये कभी नहीं करना है कि आपको वाटर शुड नॉट बी एडिड टू एसिड एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है पानी के अंदर एसिड मिलाना है इसके अंदर इसके इस पे टॉपिक पे मैंने एक शॉर्ट भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है बिकॉज दीज आर हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन और जो हीट जनरेट होती है इट मे कॉज द मिक्चर टू स्प्लैश आउट एंड इट कॉज बर्न्स तो इस तरीके से आज हमने एक्टिविटी टू पॉइंट वन से टू पॉइंट टेन को डिस्कस किया था किया है आपको कोई भी डाउट आई होप नहीं रहेगा फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ऑल पावर इज विद इन यू यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग स्वामी विवेकानंदा